नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल न्यूज सपाटा और मैं हूं नितेश। दोस्तों, यहां हम बात करेंगे एसी के बारे में। एसी के दो सेगमेंट्स बाजार में अपने को मिलते हैं, एक होता है विंडो एसी और दूसरा होता है स्प्लिट। स्प्लिट में भी दो सेगमेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा आपके इन्वर्टर और एक होगा नॉन इन्वर्टर। तो यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो पहला तो यही होता है कि हम स्प्लिट एसी लें या विंडो एसी लें। मैं आपको 7 बिंदु बताने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार ढंग से आप सुन लेना, वीडियो पूरा देख लेना। उसके बाद आपको न केवल गारंटी से पैसे की बचत होगी बल्कि आपको यह भी तय करना आसान हो जाएगा कि आपको एसी लेना कौन सा है, विंडो लेने में फायदा है या फिर आपको स्प्लिट एसी लेने में फायदा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों एसियों की तुलना की। तो देखिए, विंडो एसी सीधी सी बात है आपकी विंडो में फिट होता है और स्प्लिट एसी आपके कमरे में लगता है, यह आपको ध्यान है। इसकी कैबिनेट अलग से होती है, यह क्यों होता है यह मैं आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस इससे आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में विंडो एसी जो होता है वो आपकी विंडो में फिट होता है, बिल्कुल आपके जो है निचले स्तर पर लगाया जाता है। हवा का सिस्टम भी यही होता है एक्चुअल में बॉस, जो हवा ठंडी होती है वो निचले हिस्से में बहती है, ठीक है ना, और गर्म हवा ऊपर। तो ये एसी का सिस्टम है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि विंडो एसी में क्या फायदे हैं और स्प्लिट एसी में क्या है। देखो, विंडो एसी सबसे पहली बात, एक बात, पहला बिंदु, विंडो एसी सस्ते होते हैं, स्प्लिट एसी महंगे होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आप इससे आगे चलें, ठीक है ना, विंडो एसी का मेंटेनेंस कम होता है, स्प्लिट एसी का मेंटेनेंस भी अधिक होता है, यानी दो तरफ से आपको महंगा पड़ा, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है नॉइस की, तो विंडो एसी जो है उसमें नॉइस लेवल ज्यादा होता है और आपका स्प्लिट एसी उसमें नॉइस लेवल कम होता है, उसमें केवल फैन की आवाज ही आती है, जबकि विंडो एसी में आपके फैन प्लस कंप्रेसर दोनों की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में आपने देखा होगा विंडो एसी काफी बड़ा होता है ना, ठीक है, और उसका कारण क्या है कि उसमें जो उसका कंप्रेसर है उसी में बिल्ट होता है, उसी में लगा होता है, इसलिए उसकी पीठ बहुत बड़ी होती है, वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना, कूलर जैसा लगता है वो। अच्छा, अब इसी कारण उसका कंप्रेसर चूंकि उसके साथ है तो जब वो कंप्रेसर रिएक्ट करेगा सप्लाई देने के बाद तो उसकी आवाज भी आपको आएगी, तो इसलिए उसमें से थोड़ा सा नॉइस लेवल जो है ज्यादा होता है। स्प्लिट एसी में आपने देखा होगा कि आपकी जो मशीन होती है कूलिंग मशीन, वो तो आपके रूम में अंदर लगी होती है और जो इसका कैबिनेट होता है वो कहीं छत पे या बाहर लगा होता है। एक्चुअली में जो कैबिनेट होता है कंप्रेसर उसमें लगा हुआ होता है, इस कारण स्प्लिट एसी की आवाज जो है कम आती है, केवल फैन की आवाज ही आती है। अब अगर आप फैन को कम कर देंगे तो आपको फैन की आवाज भी नहीं आई, केवल कूलिंग देगा। फैन से इतना फायदा है कि आपको हवा जल्दी मिलेगी और पूरे कमरे में फैल जाएगी, ये स्प्लिट एसी का फायदा है जो विंडो में ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप फैन को तेज करेंगे तो आपको फैन की आवाज आएगी, साथ साथ आपको हवा जो है ठंडी तेजी से चारों तरफ फैल जाएगी। फैन कम कर देंगे तो कमरा धीरे ठंडा होगा, इतना ही फर्क है। अब एक मोड होता है टर्बो मोड, रिमोट में आपने देखा होगा। टर्बो का क्या फायदा होता है, जैसे आप टर्बो दबाएंगे तो आपको इंस्टेंट कूलिंग देगा स्प्लिट एसी। कारण क्या होता है कि टर्बो को प्रेस करते ही जो कंप्रेसर है वो तुरंत ऑन हो जाता है और सिस्टम क्या है कि कंप्रेसर 3 मिनट बाद ऑन होता है। जैसे आप एसी ऑन करते हैं तो उसके 3 मिनट बाद मैसेज जाता है कंप्रेसर तब ऑन होता है, लेकिन टर्बो दबाते ही कंप्रेसर तुरंत ऑन हो जाता है और कूलिंग इंस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन इसका थोड़ा सा कंजेशन बढ़ जाता है। तो ये एक सिस्टम था जो मैंने आपको समझाया, 3 चीजें बताई, विंडो एसी सस्ते होते हैं और आपके स्प्लिट एसी महंगे होते हैं, विंडो एसी का मेंटेनेंस कम है, स्प्लिट का मेंटेनेंस ज्यादा है। विंडो एसी में मैंने तीसरी बात बताई, कंप्रेसर साथ में होता है इसलिए आवाज ज्यादा होती है, स्प्लिट में कंप्रेसर कैबिनेट में होता है, कैबिनेट अलग लगी हुई होती है इसलिए उसकी आवाज कम होती है। तो यानी कि आपको रूम में शांति के हिसाब से और ठंडक के हिसाब से तो स्प्लिट बेटर है, और केवल कूलिंग चाहिए, हल्का फुल्का नॉइस आप झेल सकते हैं तो आपके लिए जो है विंडो एसी सस्ता पड़ता है। अब बात करते हैं लुक की, तो विंडो एसी में क्या होता है, कंप्रेसर उसके साथ होता है तो जिस विंडो में फिट होता है तो उसके शीशे या आसपास की जो सेटिंग होती है, उसकी पैकिंग होती है, वो थोड़े टाइम बाद ढीली हो जाती है क्योंकि कंप्रेसर वहीं होता है, इसलिए वाइब्रेट उसके साथ हल्का हल्का होता रहता है तो उसको बार बार ठीक कराना पड़ता है, जबकि स्प्लिट में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो हल्का सा वो लुक जो है कूलर जैसा देते हैं, लेकिन ठंडक आपको तो एसी है तो एसी ही जैसी ही मिलेगी, यानी लुक के हिसाब से आपके स्प्लिट एसी बेटर लगता है। अब बात करते हैं हम इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर एसी है आपने देखा होगा कई बार आपको मार्केट में आजकल ज्यादा चलन है सभी इन्वर्टर एसी ले लीजिए, तो मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं आपको, 2 एसी मेरे यहां लगे हुए हैं, एक ऑफिस में और एक घर पर, घर पर हिटाची का है, ऑफिस में गोदरेज का है, दोनों इन्वर्टर है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, इन्वर्टर एसी का कोई फायदा नहीं होता, कम से कम 11 से 13 यूनिट
हर हाल में निकालेगा 10 घंटे में, आपको बता देता हूं। सर्विस मैन चाहे कितना ही आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, वो एकदम झूठ बोल रहा होता है, उसको एसी बेचना होता है, इसलिए वो आपको 4 और 5 यूनिट पर डे का दावा करेगा। तो आप उसको कहें कि तू अपना आदमी बिठा दे, मीटर की रीडिंग ले ले, अगर तेरी कहीं यूनिट आती है तो तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, अगर नहीं आती है तो तू मुझे एसी फ्री छोड़ देना, ठीक है। वो अपना आप भाग जाएगा आपके यहाँ से, ठीक है। तो वो एकदम झूठ बोल रहा होता है। 11 से 13 यूनिट पर डे आएगी ही एसी की, इससे कम की आप परवाह मत करना। अगर आपको लेना है तो आप इसी समझौते पर लेना कि आप इतना यूनिट जो है खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी यूनिट 6 से 8 भी आती है। वो कब आती है? जब बारिश का मौसम होता है, वातावरण में ठंडक होती है, कमरे भी ठंडक होते हैं, लेकिन उस टाइम उमस परेशान करती है, तो एसी उस उमस को दूर कर देता है, ठीक है ना। और वहां आपको ठंडक भी देता है, उमस भी दूर कर देता है, और चूंकि एटमोसफेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, उस कारण एसी 6 से 8 यूनिट देता है। 4 यूनिट का तो कोई सवाल ही नहीं है, किसी भी सूरत में आपको कोई भी एसी 4 यूनिट नहीं देगा, चाहे वो कितने स्टार टेक्नोलॉजी का हो, ये आप ध्यान रखना है आपको। ये मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर चीज बता रहा हूं। अब अगली बात ये कंजप्शन की, तो विंडो एसी और स्प्लिट एसी दोनों का समान कंजप्शन है, कोई भी फर्क नहीं है, 1/2 यूनिट का फर्क होता है, यानी कि 4 से 10 रुपए तक का फर्क होता है। हर स्टेट में यूनिट की रेट अलग अलग है, कहीं 4 रुपए यूनिट है, कहीं 8 रुपए यूनिट है, कहीं 10 रुपए यूनिट है, कहीं 15 रुपए यूनिट है, तो इससे ज्यादा का फर्क नहीं आ रहा पर डे का। तो आप ये मान के चलिए कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी दोनों का कंजप्शन समान है। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई। फिर आपको बता दूं कि विंडो एसी सस्ते होते हैं, स्प्लिट महंगे होते हैं, विंडो एसी का मेंटेनेंस कम होता है, स्प्लिट का ज्यादा होता है, कंप्रेसर विंडो में साथ होता है इसलिए थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती है, यानी नॉइस लेवल ज्यादा है इसका, ये 2 बिंदु एक साथ कवर हो गए, और स्प्लिट में ऐसा नहीं है इसलिए उसकी थोड़ी आवाज कम आती है। विंडो स्प्लिट एसी आपके रूम में लुक अच्छा देगा, लगा हुआ बढ़िया लगता है। अगर बात करें हम इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर एसी लेने का कोई फायदा नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अपना अनुभव आपको शेयर किया है, ठीक है। कंजप्शन की बात करें तो दोनों में समान कंजप्शन है, इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, तो आप चाहें तो विंडो ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जेब पर फर्क पड़ेगा। फर्क कितना है आपको बता देता हूं। अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं जो, तो जिस टन में आपको स्प्लिट एसी 30,000 से ऊपर मिलेगा, उसी टन में आपको विंडो एसी 25 से नीचे मिलेगा, एक बात ये ध्यान रखना, ये आपको क्लियर बताया। तो यानी कि बहुत फर्क होता है, 10 से 12,000 तक का फर्क होता है इसके रेट में, तो ये आपको बचत आराम से अच्छी खासी आप कर सकते हैं। विंडो एसी लगाने में आपको कोई नुकसान नहीं है, बस हल्की सी नॉइज इसमें होती है, नॉइज लेवल थोड़ा उसका अलग होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो एसी लेने में आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, मैंने बनाया आपको विंडो एसी लेना है या फिर आपको लेना है स्प्लिट एसी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि वो भी इस तरह के कंफ्यूजन से दूर हो सके, और जो सेल्समैन है उनके ठगावे में, उनके बहकावे में नहीं आ पाए, ठीक है। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लगातार इस चैनल न्यूज सपाटा पर लेकर के आता रहता हूं। इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।